सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम फाइनल टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे और हिंदी मेधा में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13, क्रिसमस केक। आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर मंथ में एवरी ईयर हम 25th ऑफ दिसंबर में क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं और आज इस पाठ में, जिसका नाम है क्रिसमस केक, इसमें क्रिसमस के दृश्य दिखाए गए हैं। यह एक बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में हम एक ऐसे बालक के बारे में पढ़ेंगे जो क्रिसमस मनाना चाहता है, किंतु गरीब होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। और फिर क्या होता है, प्रभु यीशु एक देवदूत के रूप में आकर उसकी मदद करते हैं, उसको क्रिसमस केक देते हैं और फिर वह क्रिसमस मनाता है। तो किस तरह से ये सब दृश्य होते हैं, इस पाठ में दो दृश्य दिखाए गए हैं। दो दृश्य मतलब सीन, फर्स्ट सीन एंड सेकंड सीन। पहला दृश्य और दूसरा दृश्य, दोनों दृश्य में क्या होता है अलग अलग, वो आप पढ़ेंगे इस पाठ में। किस तरह से एक गरीब लड़का बहुत मन से चाहता है कि वह क्रिसमस मनाए, क्रिसमस का केक काटे अपने दादाजी के साथ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। वीडियो में आप ये दोनों दृश्य अच्छे से देखेंगे भी और आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन। लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय क्या होता है, उसी समय सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक, बालक मन में सोचता है सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। तो उधर से गुजरते एक व्यक्ति से बोलता है, बाबूजी मुझ पर दया कीजिए, मुझ दुखी को भी खुशियां मनाने दीजिए, आज खुशी के वक्त मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। व्यक्ति क्या करता है, बालक को कुछ पैसे देता है। वह पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50। खुशी से कहता है, अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ। बालक उन पैसों से एक केक खरीदता है और उसे प्रसन्नता पूर्वक लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। मन में सोचता है, मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी केक मिल गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनसे उनके साथ बांटकर खाऊंगा। उसी समय किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज बालक के कानों में पड़ती है। तो बूढ़ा आदमी कराहता हुआ कहता है, मदद करो बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। बालक पीछे पलटकर देखता है, एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा है। उसे देखकर बालक दूसरी ओर जाना चाहता है, तभी उसकी अंतरात्मा उसे पुकारती है। बालक की अंतरात्मा बालक को पुकारती है, रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो, यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो, यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है, दे दो इसे, नहीं तो यह मर जाएगा। बालक बुदबुदाते हुए, खुद से बात करते हुए
मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है। हाँ, मैं इसकी मदद करूँगा। बूढ़े के पास जाकर कहता है, बाबा लो यह केक खा लो। बूढ़ा कहता है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है, किंतु उसके अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी हो रही है, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया वह एक भलाई का कार्य है। बालक उदास मन से अपने मन में सोचता है, केक तो मैंने बूढ़े बाबा को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर सोचता है, मेरे केक की जरूरत उस बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी। तो पहला सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बालक नींद से जागकर दरवाजा खोलता है। एक देवदूत सफेद वस्त्र पहने सामने खड़ा है, उसके हाथ में एक पैकेट है। वह पैकेट बालक की ओर बढ़ाता है। बालक आश्चर्य से पूछता है, आप कौन हैं? यह मुझे क्या दे रहे हैं? देवदूत कहता है, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। बालक, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। देवदूत, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। वह पैकेट बालक को दे देता है। बालक आश्चर्य से पूछता है, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही है। देवदूत अंतर ध्यान हो जाता है। बालक, दादाजी को जाकर केक देता हूँ, और पर्दा गिरता है। दृश्य समाप्त हुआ। शब्दार्थ समझा देती हूँ बच्चों मैं आपको। तीव्र का अर्थ होता है तेज, वक्त समय, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी, कराहना, दर्द से भरी आवाज निकालना, अंतरात्मा अंदर के मन से, तड़पना, छटपटाना, दस्तक, दरवाजा खटखटाना, असहाय, लाचार, नेक, समय, नेक का अर्थ समय तो नहीं होता है, नेक का होता है एक अच्छा काम करना, नेक कार्य, अच्छा कार्य, नेक का अर्थ समय नहीं होता है, ये गलत दिया है यहाँ पर। नेक का अर्थ होता है अच्छा। अंतर ध्यान, आंखों से ओझल हो जाना, आंखों के सामने से चले जाना, गायब हो जाना, ठीक है बच्चों। आइए इस पाठ की वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो के बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगी। क्रिसमस केक, पहला दृश्य। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक। बालक मन में, सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। बालक उधर से गुजरते एक व्यक्ति से, बाबूजी मुझ पर दया करो,
मुझ दुखी को भी खुशियां मनाने दो। आज खुशी के वक्त मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति बालक को कुछ पैसा देता है। बालक पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50। अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक खुशी से, मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी केक मिल गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। बालक जल्दी जल्दी घर की ओर जा ही रहा था कि उसी समय किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बूढ़ा कराह कर, मदद करो बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। बालक ने पीछे पलट कर देखा, एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक ने दूसरी ओर जाना चाहा, तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा, रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है, दे दो इसे, नहीं तो यह मर जाएगा। बालक, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है। हाँ, मैं इसकी मदद करूंगा। बालक बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो यह केक खा लो। बूढ़ा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है, किंतु उसके अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। बालक उदास मन से, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर, मेरे केक की जरूरत इस बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बालक ने नींद से जागकर दरवाजा खोला। एक तेजस्वी व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वह पैकेट बालक की ओर बढ़ाया। बालक, आप कौन हैं? यह मुझे क्या दे रही हैं? देवदूत, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। बालक, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देवदूत, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। वह केक बालक को देता है। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? हाँ बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही है, कहकर वह देवदूत अंतर्धान हो जाता है। बालक, दादाजी को जाकर केक देता हूँ। अच्छी लगी बच्चों आपको वीडियो? कहानी भी बहुत अच्छी है, बच्चे ने बहुत नेक कार्य किया था, एक भूखे का पेट भरा था, क्रिसमस के दिन देवदूत ने फिर उसे केक दिया था। तो बच्चों आपको क्या करना है आज गृह कार्य? आपको पाठ 13 क्रिसमस केक अपनी हिंदी मेधा की बुक से 3 बार पढ़ना है, लाउड रीडिंग करनी है और पाठ के कठिन शब्द छांट कर लिखने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप कठिन शब्दों को
बुक में अंडरलाइन करेंगे और हिंदी मेधा कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आप अच्छे से कठिन शब्दों को छांट कर लिखेंगे और उससे पहले पाठ को 3 बार पढ़ेंगे। ये आज आपका गृह कार्य है। अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करेंगे, बहुत अच्छा लेख होना चाहिए और सब रेगुलर वर्क करेंगे। रेगुलर होमवर्क सेंड करना है आपको, किसी भी दिन का स्किप नहीं करना है, लेट नहीं करना है, ओके। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।